हेलो दोस्तों, हरी गीतांजलि तो वही सब सोल चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान, जब व्यक्ति में ज्ञान बहुत अधिक होता है तो बहुत शांत होता है। जिस प्रकार गहरे जल में बड़ी ही शांति होती है, क्योंकि वो जल से इतना धनाढ्य होता है, इतना ओतप्रोत होता है, उसमें अभिमान नहीं होता है। लेकिन जब उसमें उबाल आता है तो सुनामी आती है। उसी भांति जो ज्ञानी पुरुष, महात्मा, शिक्षक जो भी होते हैं, वो शांत तो दिखते हैं, लेकिन जब उनकी ज्ञान की बारिश होती है तो वहाँ पे ज्ञान का अद्भुत बारिश होता है, जिससे उपस्थित वहाँ पे सारे लोग ज्ञान की गंगा में स्नान कर लेते हैं। ज्ञान वो नहीं होता है कि हम कहीं से दो अक्षर सुने और उस पे लंबी चौड़ी भाषण दें। ज्ञान वो होता है जो आपने खुद आत्मसात किया हो, जिस पे आपने चिंतन मनन किया हो, जिस पे आपका अपना कुछ स्वविवेक काम किया हो, आपका आत्मज्ञान उस पे पूरी तरह से, जिस पर आपका अपना नियंत्रण हो, जिसमें आपका गहरा ज्ञान हो, गूढ़ ज्ञान जिसे कहते हैं। जब व्यक्ति में ऐसा ज्ञान होता है तो थोड़ी थोड़ी बातों पे उत्तुनकता नहीं है, बल्कि सामने वाली बात को, सामने वाला जो आपसे बात कहता है, उसे बड़े ही शांति पूर्वक सुनता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्ञानी होता है कि आपके थोड़े से बात कहने से उत्तेजित नहीं हो सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, अध अध जल गगरी छलकत जाए। जिस गागर में थोड़ी पानी होती है वो छलकता जाता है, लेकिन जिस गागर में पानी कह लीजिए या ज्ञान रूपी गंगा कह लीजिए भरा होता है, वो छलकता और उछलता नहीं है, वो शांत होता है, एकदम शांत स्वभाव का होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। उसे कहते हैं, ज्ञान से आप में हमेशा गंभीरता आता है, ज्ञान से आप में वजन आता है, आप में उछाल मारने की क्षमता बहुत होती है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पे वो व्यक्ति बोलता है, ऐसे अनाप शनाप बोलना उसकी प्रकृति नहीं होती है। वो कुछ लोगों की बातों को अनसुना कर जाता है, क्योंकि वो जानता है ये अध जल गगरी वाली हालत है, क्योंकि जो जिसमें ज्ञान अधूरा होता है वो कुछ ज्यादा ही बोलता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि इस दुनिया में अगर कोई ज्ञानी है या सबसे ज्यादा ज्ञान किसी में है तो मुझ में है, और जहाँ पे कमी होती है उसे साबित करने की जरूरत होती है। कभी कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को साबित नहीं करता है, क्योंकि उसका साक्ष्य आपको स्वयं दिखाई देता है। इसलिए जब कभी भी आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा सा प्रवचन देते हों, तो ये मान के चलिए उसमें ज्ञान गूढ़ता की कमी है, उसने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है, उसने ज्ञान को कहीं से थोड़ा सा सुन रखा है। जैसे कहते हैं ना कि पूरे ज्ञान से भयानक अधूरा ज्ञान होता है। जब कभी भी आपको अधूरा ज्ञान हो तो आप वहां पे चुप रहें, वहां शांत रहें, वहां पे अपनी अभिव्यक्ति ना दें, क्योंकि वहां पे आपको मूर्ख साबित कर दिया जाएगा। और जब भी आपको बोलना हो, जब भी आपको कुछ कहना हो, आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मत पे अपना मत व्यक्त करना हो, आप पहले उस पे चिंतन करिए, मनन करिए, लोगों के भावार्थ को सुनिए, सामने वाले को देखिए को क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप अपने विचार प्रकट करें। आपकी भावनाओं को, आपके विचार को पूरी पूरी तवज्जो मिलेगी, वो सम्मान मिलेगा जो आप चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।